तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। और हमारा एक्सपेरिमेंट ये है कि हम ये जानेंगे आज कि आसमान का जो रंग होता है वो नीला क्यों होता है, ठीक है। आसमान का कलर पीला, हरा, गुलाबी क्यों नहीं होता, उसके बजाय तुम देखते हो कि हमें आसमान का रंग कैसा नज़र आता है, नीला, ठीक है। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से तुमको समझाते हैं कि होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। तो चलो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने क्या लिया है, बीकर, ठीक। अब इस बीकर में हमने क्या डाला है, पानी, पानी डाला है। अब देखो हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल, वायु, वायु है ना, बहुत सारी गैसों का मिश्रण। तो ये सपोज करो कि ये पृथ्वी है और ये इसका वायुमंडल है, ठीक है। ये वायुमंडल है, मान लो बहुत सारी इसमें गैस है, बहुत सारे धूल के कण है, तो ये मिलके क्या बना दे रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर की परत यानी वायुमंडल। अब वायुमंडल क्रिएट करने के लिए हमने इसमें जरा सा देखो ऐसे फूलते कण होता है, जैसे हमने ये डाल दिया पाउडर, पाउडर, और ये हमारा क्या दिखा रहा है इसमें, मूल्य। अब इसमें तुम्हें कण से नजर आ रहे हैं ना, पाउडर में, तो सब ऐसे ही क्या होते हैं, वायु में कण होते हैं, ठीक है। पानी समझ लो वायु है और जो डाले गए तो वो क्या है, कण, धूल के, मिट्टी के, गैस के, ये सब क्या है, कण, कण। तो जब इस वायुमंडल में सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं, पृथ्वी के चारों वायुमंडल है, अब इसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें आती हैं। तो जो सूर्य की किरणें हैं हम सब जानते हैं कि सूर्य की किरणें कितने रंगों से बनती है, सात रंगों से। तो असल में क्या होता है, एक रंग नहीं होता सूर्य की किरण, सफेद रंग नहीं होता, कितने रंग होते हैं, सात रंग होते हैं। तो हमने यहाँ पे सोचो कि हमने क्या करा दिया, ऑन करके हमने ये दिखा दिया कि क्या हो गया, इसमें सूर्य की किरणें आ रही है, क्या आ रही है इसमें, वायुमंडल में घुस गई सूर्य की किरणें, ऐसे घुस गई। अब सूर्य की किरणों के कारण क्या होता है कि सूर्य की किरणें जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और धूल के कणों से टकराती हैं तो वो क्या होती है, फैल जाती है, बिखर जाती है ना। और जो सात रंगों में से क्रम, तुम्हें पता ही है कि सात रंगों का क्या क्रम होता है, विविध। तो जिस रंग की तरंग धैर्य सबसे कम होगी, छोटी होगी, वो रंग ज्यादा फैल जाता है। और इसका क्रम क्या है, लाल रंग नीचे है तो लाल रंग की तरंग धैर्य क्या होती है, सबसे लंबी, तो वो तो कम फैलता है। और जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग धैर्य सबसे कम होती है। तो हमारा आसमान, हमें कुछ जब किरणें ऐसी पड़ी तो हमारा आसमान फैलने के बाद कैसा नजर आता है, नीला, क्योंकि जो बैंगनी रंग था वो हमको नजर आना चाहिए, लेकिन हमको आसमानी इसलिए आता है, उसका कारण है हमारी आंखें, कि जो हमारी आंखें हैं उनको जो आसमानी रंग है, नीला रंग है, उसको देखने के लिए हमारी आंखें संवेदनशील होती हैं ज्यादा। मतलब अगर बैंगनी रंग है और आसमानी रंग है तो उसमें से हमारी आंखें किस रंग को ज्यादा देखती हैं, आसमानी, आसमानी, ठीक है। तो आसमानी रंग हमें इसलिए दिखाई देता है आसमान का, क्योंकि वही कलर क्या हुआ, प्रकाश का क्या होगा, प्रकीर्ण हो गया, प्रकाश जो है जो सूर्य का वो फैल गया था, है ना। और आसमानी रंग हमें इसलिए दिखाई दिया क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम थी तो वो सबसे ज्यादा फैला। इसीलिए हमें आसमान कैसा नजर आता है, नीला, समझ में आई।